एडिट दिस वीडियो एंड कट। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा है यार। हीरो का जो चैन सेट है इस बार वो डलवा रहा हूँ मैं। सो ये है मनीमेश। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, न्यू जर्नी, नया दिन की शुरुआत। और एक बार फिर से निकल चुके हैं अपने नए सफ़र पे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि बहुत ही जल्द हम एक अपनी बहुत अच्छी स्पेशल राइड करने वाले हैं। सुबह से हम उठ गए थे, अर्ली मॉर्निंग हमारा जो था प्लान जो था वो 4 बजे निकलने का था, लेकिन बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी और मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी बारिश। तो उस वजह से क्या था, प्लान में थोड़े चेंजेस आ गए। 3:30 बजे से निकलते 4 बज गए, 4:05, 6 करते हम इन दी एंड 8:30 बजे निकले। जैसे 8:30 बजे निकले तो निकलने के बाद क्या हुआ कि एकदम से राजू का जो टायर था वो ट्यूबलेस टायर है स्कूटी का जो हम कल लेके आए थे, और उस स्कूटी के टायर में क्या हुआ कि इसने टायर में हवा कम थी और हशर मार के हवा भरी। फिर अभी हम पहुंचे हैं शाहपुर में, और शाहपुर में आके हमने सबसे पहला काम किया कि टायर को चेंज करने का, क्योंकि टायर चेंज करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर टायर चेंज नहीं करते ना तो दिक्कत होने वाली। तो बस राजू आगे चला है और मैं पीछे। तो यहाँ से जो है वो चंबा शुरू होता है, सिद्ध भूमि चंबा में पधारने का आपका स्वागत है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है चंबा की बाउंड्री। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा है यार। 3:30 बजे के आए हुए हैं। कुछ नंदा चला है बाइक में, सुबह सुबह किसका मुंह देखा भाई है? सुबह सुबह किसका मुंह देखा है यार? किसका मुंह देखा है यार? फिर मेरे यार मुंह देखने को छोड़ के मतलब अग्गू राजला बिना रो लाला लाला लात लगा के जो है वो करना पड़ेगा। किसका मुंह देखा है सुबह सुबह? पहले दूसरी स्कूटी का टायर पंक्चर, फिर अब इस स्कूटी का इस बाइक की ऑटोमेटिकली जो है वो चेन गिर जाती है। पता नहीं कौन से सस्ते से दुकानदार से ये सर्विस करा के आते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। और 500 से 700 रुपये ऐसे वेस्ट करके आते हैं। भैया मुझे दे देते, मैं वहाँ तंग में करवा लेता अच्छी सी दुकान में। और डर जो लग रहा है तो बस ये जो ऊपर से पत्थर वगैरह है यहाँ पे, तो आगे किसी पूछा हमने कि कितने किलोमीटर के बाद जो है मैकेनिक मिलेगा, तो कहते कि 2-3 किलोमीटर के बाद मैकेनिक जो है मिलेगा। पता नहीं यार, एकदम से पता नहीं थर थर की आवाज़ आई, और जैसे ही मैंने चेक किया तो चेन उतर गई। हालांकि कल शाम को ही मैंने सर्विस कराई थी। अच्छा हुआ अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते तो दिक्कत होने वाली बात हो जाने की। तो राजू किसी मैकेनिक को लेके आया यहाँ पर, अपने आप ही ना आवाज़ हुई ना टक 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 करके और बंद हो गई। अभी तो चेन सेट भी मैंने नया डलवाया। तो चेन जो है वो बिल्कुल ही बीच से जहाँ से जब लगाई थी वो जोर से जो है वो टूट गई है। तो भैया बोलते मैं ले चलता हूँ। ओह गॉड क्या यार। तो ब्लॉग की शुरुआत और दिन की शुरुआत बहुत ही बेकार निकली। पहले राजू का टायर, फिर राजू का टायर जो था वो निकल गया था, राजू की स्कूटी का टायर, टायर चेंज करवाया, अब चेन जो है वो चेंज करवाते हैं। शुक्र है भगवान का कि
नियर जो है वो दुकान मिल गई, नहीं तो छप्पा छई क्या हो जाता, छप्पा छई छई। तो भैया जी आ चुके हैं राइडर, ठीक है कोई नहीं, होना जड़ा होना सा वही है, ठीक है थैंक यू। हे भगवान बस अब जो है ना, अब कोई ऐसा कोई तकलीफ ना हो, आराम से जाएं और आराम से आएं। फाइनली जो है अब हम सारा सेटिंग करने के बाद, एक्चुअली चेन जो थी आपने देखा कि चेन टूट चुकी थी बीच से और पता नहीं किस तरह से जो था ये फिक्स की थी बंदे ने, तो चलो अब जैसा भी है भगवान करे कि सही से जाएं और सही से आएं। और अब बस अब निकलते हैं यहाँ से, शीशे भी फिक्स करवा लिए हैं ताकि कुछ आगे जो है वो दिक्कत ना हो। तो ब्लॉग की शुरुआत और सफ़र की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, लेकिन बोलते हैं कि शुरू अच्छा ना हो तो अंत जो होता है बहुत अच्छा होता है, तो बिल्कुल जी अंत जो है वो इस ब्लॉग का बहुत बढ़िया रहेगा और मुझे लगता है कि आगे का सफ़र बढ़िया रहे। तो अभी हम आप पहुँचे हैं कुंजर महादेव के पास और यहाँ से चंबा जो है वो 104 किलोमीटर जो है वो दूर है। अब चेन टूटी, टायर चेंज करवाया, अब जो है वो नया पंगा है कि पीछे अब उस बंदे ने जिसने भी चेन फिट की ना, तो उसने क्या किया कि उसका जो कवर होता ना चेन का वो ढंग से फिक्स नहीं किया, तो वो टर 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 करके आवाज़ आ रही है उसकी, बहुत ही बुरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन सेट चेंज करवाना ही पड़ेगा और करवाना ही पड़ना है। तो बाईगुड से इस एरिए में बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बाइक चलाने का तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे यहाँ से करें चलाएं। तो ये जो एरिया है बहुत ही डेंजरस, तो लाडू यहाँ से जो है वो 5 किलोमीटर है अभी भी, और बट रोड की कंडीशन जो है ना वो बहुत ही ख़राब है, बहुत और बहुत ही ज़्यादा। सो दिस इज़ द एरिया कि जहाँ से जहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा मैसिव लैंडस्लाइड्स होते हैं और पत्थर वगैरह ऊपर से आते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है जैसा हर बार हम जो है वो फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं, तो बस सीधे ही निकलेंगे यहाँ से। चेन सेट ही बनाएगा मेरी बहन। तो अभी बाइक फिर से दिक्कत कर रही थी, तो सोचा कि अभी चेन सेट ही चेंज करा लेंगे, तो फाइनल यही है कि अब चेन सेट ही चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि किंतु परंतु दिमाग में एक बार बैठ गया तो फिर वो पूरा रास्ते तंग करता रहेगा, तो उससे बेटर यही है कि चेन सेट चेंज करवा लें, है ना, करवा लें। डायमंड वगैरह सब चेक कर लिए डाल के, अब इस बार जेन्युइन जो हीरो का जो हीरो का जो चैन सेट है इस बार वो डलवा रहा हूँ मैं। तो जब से निकला हूँ सुबह से तब से बाइक उड़ से तंग ही कर थोड़ा इस बाइक ने आज, तो पता नहीं क्यों नाराज आज मेरे से। सो बिग थैंक्स टू दीज गाइज, इनकी वजह से मेरी बाइक जो है बिल्कुल अब फिट हो चुकी है, तो दोनों ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, अच्छा शेफर्ड 13 याद रखना, अच्छा तुम दोनों भी आ गए, अच्छा ठीक है, होप सो कि कोई दिक्कत ना हो। चलो भैया आप चल लीजिए, चले बाय। तो हर जगह जो है पुलिस की जो व्यवस्था है वो बहुत ही खतरनाक है आज यहाँ पर, तो यहाँ पर जाम लग चुका है क्योंकि ये ट्रक में जो है वो मिट्टी भरी जा रही है, तो आदत तो हमको है ही है घुच घुच करने की, ऑफ रोड राइडर तो हम है ही, तो निकलने की कोशिश तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जद्दोजहद हम वहीं पे करते हैं कि जहाँ पे जायज़ होता है। तो जोध से कुछ ही किलोमीटर
पीछे पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, मतलब काट काट के रोड्स, पहाड़ियों को काट काट के रोड निकालने की कोशिश में जो है वो हर जगह बर्बादी जो है वो हो रखी हुई है। कपड़े खराब हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड। सो फाइनली वी आर इन जोध। काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद जो है हम जोध में पहुँचे हैं और यहाँ से हार्डली कोई 25 किलोमीटर चंबा है और चंबा फिर उससे आगे 60 या 70 किलोमीटर आपको जो है वो मिलेगा भरमौर। तो यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ऊपर पहाड़ों पे जो है बर्फबारी जो है वो होना शुरू हो गई है, तो ठंड तो ठीक ठाक होने वाली है ऊपर हर कुछ। खाना पीना सब हो चुका है और अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो अभी भी घर से फ़ोन आया था कि धर्मशाला में अभी भी बारिश हो रही है, धर्मशाला में अभी भी बारिश हो रही है, पता आप भी आगे ब्लॉग में, धर्मशाला में अभी भी बारिश हो रही है। ये नहीं, अब ये तो रखूँगा मैं ब्लर फेस के साथ। इतनी इतनी प्योर इंग्लिश तो पहली बार मेरे ब्लॉग में आई है, तो मैं इसको काटूँगा कैसे। चलो ऐसी बात है, इंग्लिश की एक टॉपिक सेट करना, मैं पूरा इंग्लिश बोल दूंगी। ठीक है। एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, ऐसी सी वाटर क्रॉसिंग जो है वो आपको मिलती रहेंगी इस रूट पे। तो सामने का व्यू चेक करिए, क्या जबरदस्त है, क्या ही ग्रीन ग्रीन हो रखा हुआ चारों तरफ। सो वेलकम टू चंबा डिस्ट्रिक्ट। पहुँच तो हम बड़ी पहले गए थे चंबा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो मेन चंबा है वहाँ पे अभी पहुँचे हैं। और ये वाला पुल ऑसम, लेकिन जो नीचे वाला पुल था जो कि अभी मेरे को लगता है कि वो टूट गया है, तो नहीं तो ये पुल भी बहुत ही खूबसूरत था। तो ये वाला पॉइंट जो है ना मुझे बहुत ही सुंदर लगता है चंबा का। सो अब यहाँ से 60 या 70 किलोमीटर भरमौर दूर बचा है, और फिर जो है वो रावी ने इस पार्ट को जो है वो काट दिया है। सो दिस रोड अमेजिंग, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पता नहीं कितने हजारों और करोड़ों सालों के बाद जो है वो हाय किसी पक्के रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। एक चाय ब्रेक ली है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि नींद आ रही थी और सोचा कि चाय वगैरह पी लेते हैं फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरे बालों का। बालों का नहीं, ब्लॉगर बनने हैं। अच्छा, ब्लॉगर बनने का। मैं तो पुइयां ही बैठा था। तो अपनी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, टाइट आई फेस हो चुकी है, बहुत ही बुरी हालत है। लेकिन इतनी थकावट को दूर, तो इतनी प्लीज़ इग्नोर, इन लोगों को इग्नोर करना, इग्नोर करना। तो इस अच्छा मेरी एक बात सुनो, नहीं सुनो मेरी बात, जितनी मर्जी थकावट होगी उस वहाँ उसको देख के आपकी थकावट कम हुई थोड़ी सी कि नहीं हुई? यस, बहुत सारे कमेंट आएंगे। ग्लैमर के लिए मैंने नया ग्लैमर भर के लेके आया हूँ अपने ब्लॉग में, सो प्लीज चेक करिए कि ये कौन है हैरी पॉटर। तो सामने का व्यू चेक करिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए और मन को सुकून। तो ये है मणिमहेश, जहाँ जाने के लिए हम आए हैं, और हो सकता है कि कल हम मणिमहेश जाएंगे। ये इसको यहाँ से देखो, ये और ये तो सेफ है, ले मेरे को दिखाना। ये कर दिया इसने, हुलिया ऐसा बनाया तो हम क्या करें। क्या बोल रहे हो आप? इसने हुलिया ऐसा बनाया तो क्या करें। KGF 3 बना के आए हैं हम, KGF 3 कोलार की खदानों से आए हैं।
भाई अकल क्या सुन भाई, तो पैसेंजर को तो दर्द होता है ना, तो बस में आना फिर, बस में आना ठीक है, अगली बार आएंगे नहीं, अगली बार आएंगे नहीं फिर रिकॉर्ड कर, बस में आना तो पता क्या भाई, कसम जी जी खड्डा ये होड़ी दूए हिसाब पे आऊ कसम। आप ये बताओ कि सड़क सड़क थी कहाँ पे, ठीक है सर, मतलब ब्रेक था ब्रो, मतलब इतना देखो मैं ना ये बोल रहा हूँ हमेशा कि देख मतलब गाड़ी आ रही है भाई, ये कुछ भी नहीं चला हुआ है क्या, अलोयन ना है ना, ड्रम ब्रेक तो होगी तो थोड़ा उस टाइम ब्रो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो बस में जा सकते हो, लिफ्ट दिला सकते हो, अपने को बोलो तो फट जाती है, एड़ी लगन बताए। तो अभी भरवाणी माता पहुंचे थे, स्नान कर लिया है और फटाफट जा रहे हैं अब माथा टेकने, पानी बहुत ठंडा था, ना ये नहाया पंजंगी की है, पंजंगी, और इसने तूने क्या किया है, मैंने भी वही की ब्रो, बट मैं नहाया भाई, मैं नहाया, बहुत ठंडा पानी था, अब चले दर्शन करते हैं और फटाफट चलते हैं फिर रूम, चलो ये सब आएगा। 7:30 बजे हम पहुंच चुके हैं माता बरमाणी के दरबार में और ठंड का लेवल बहुत ही ज़्यादा और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, पिछले आधे घंटे से लाइन में लगा था और अब जाके नंबर आया है, तो ये कुछ यहाँ का नज़ारा है माता के दरबार का। तो गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे रात को हम इस रूम पे रुके हुए थे लेकिन अभी ये बहुत चढ़ा हुआ मेरे ऊपर, तो आई होप जो ये मेरा वीडियो था आपको बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक किए बना जाएगा, चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बना जाएगा, तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जैसे वहाँ पर ये नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वीडियो का, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो प्लीज़ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ फॉलो कीजिए, बाय बाय।